धार जिले के लालसा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने शनिवार को विधायक पाची लाल मेड़ा ने जनपद पंचायत के सभागृह में कृषि अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारी पटवारियों के सम्मुख बैठक ली, जिसमें विधायक मेड़ा ने सभी प्रशासन विभाग के अधिकारियों को किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। बैठक में बताया कि किसानों की फसलें अतिवृष्टि से प्रभावित हो रही है तथा लगातार हो रही बरसात से नुकसान का आकलन एवं उचित मुआवजा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस समय मंडी में सोयाबीन की आवक शुरू हो जाती थी। गौरतलब है कि इस माह में मंडी में सबसे अधिक आने वाली उपज की बम्पर आवक शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष आवक नगण्य के समान है। साथ साथ बताया गया कि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित न रहे, इसके लिए निष्पक्ष रूप से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज कृषि विभाग की और रेवेन्यू विभाग की हमने SDM साहब, तहसीलदार साहब को अवगत कराया था कि किसानों की फसलें चौपट होने के कगार पे है और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी का सख्त निर्देश है कि जहाँ जहाँ भी जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उनका सही आकलन की करें। तहसीलदार पटवारी अपने सभी अपने अपने हलकों में जा कर के पूरी ईमानदारी से किसानों के खेतों में फसलों का आकलन करें, सही रिपोर्ट बना करके पहुँचाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है। और हमको भी निर्देश है कि आप लोग भी अपने अपने सभी विधानसभा में सभी विधायकों को है ना, सभी मंत्रियों को कि अपने अपने क्षेत्र में जा करके किसानों की समस्या जो ज्वलंत समस्या है पानी की अतिवृष्टि से जो फसलें खत्म हुई उनका पटवारी रेवेन्यू विभाग बीमा कंपनी जो भी विभागीय बीमे हुए थे वो सारी जानकारियाँ तहसीलदार पटवारी जी को देकर के उनका सही उनका आकलन करें ताकि सरकार उनको जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए उनकी मदद हो सके। अपन इसमें समय सीमा दे करी क्या पटवारी उनको उनको कितने दिन समय सीमा? अभी पानी गिर रहा है तो आज अगर ये कल आकलन करेंगे पटवारी जी तो हो सकता दो तीन दिन बाद आकलन के बाद फिर पानी गिर जाए, तो इसके लिए अभी तो एक बार सबको इसलिए निर्देश दिए तत्काल किया जाए क्योंकि कुछ फसलें पक चुकी 5-10 दिन में कट जाएगी और कटने की कगार, अगर कुछ फसल अच्छी है और बिल्कुल खराब हो गई उसका 10 दिन बाद आकलन नहीं होगा, इसके लिए सख्त निर्देश है पटवारी जीओं को, रेवेन्यू विभाग को, कृषि विभाग वालों को कि इनका जल्दी से जल्दी मुआवजा किया जाए। तो इसलिए आज उसी तारतम्य में यह संदर्भ में बैठक रखी है, तो आप लोग भी आप अपने अपने तरीके से सरकार से मांग करेंगे, हम भी करें और किसानों की भलाई के लिए हम सब तत्पर रहें ताकि किसानों के साथ में उनको न्याय मिले। और जो विधानसभा स्तर पे विधायक जी हो रहा है कि कहीं पटवारी नए आए हैं जिनको पूरा अनुभव भी नहीं है और कई जगह हल्के ज्यादा है वो तो उसमें थोड़ी बहुत किसानों को पटवारी प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। इस प्रकार की देरी अगर रहेगी तो संबंधित अन्य पटवारियों को भी वहाँ भेज दिया जाएगा। तहसीलदार एसडीएम साहब से बात करी, ये बात मैंने करी थी तो उन्होंने कहा कि जहाँ विसंगतियाँ रहेगी पटवारी नए या बड़े हल्के छोटे हल्के भी रहते हैं तो वहाँ दूसरे पटवारियों को बुलाकर भी उनका आकलन किया जाएगा। ऐसा कोई दल बन जाए नालछा में, 2-3 टीम बन जाए कि प्रारंभिक रूप से गांव में वो निरीक्षण करें। मैं अभी तहसीलदार साहब को बता दूंगा कि ये इनका दल बना दिया जाए ताकि कोई किसान छूटे नहीं और पूरे सभी गाँव के किसानों की जमीन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।